डीमोनेटाइजेशन के बाद भारत में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का चलन काफ़ी बढ़ गया है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के बढ़ते ही ऑनलाइन होने वाले फ्रॉड्स की संख्या में भी भारी इजाफा हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल मार्च से दिसंबर के बीच भारत में 52,000 ऑनलाइन फ्रॉड्स हुए, जिनमें हम भारतीयों ने 228 करोड़ रुपए गंवाए। तो वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखकर हम अपने आप को ऑनलाइन होने वाले किसी भी फ्रॉड से बचा सकते हैं? आइए इस वीडियो में इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं द लास्ट संडे व्लॉग्स। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं आपकी जेब में पड़े मोबाइल फोन से। अगर आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक द्वारा आपके मोबाइल पर एक ओटीपी भेजा जाता है। ओटीपी का मतलब है वन टाइम पासवर्ड। ये पासवर्ड लगाते ही आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है। अगर आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे और फिर भी आपके मोबाइल पर ये ओटीपी आया है तो सावधान हो जाइए, आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति आपको फ़ोन कर इस ओटीपी के बारे में पूछता है तो आप ये ओटीपी उसे कभी मत दें, क्योंकि ऐसा करते ही वे आपके अकाउंट से पल भर में कुछ ही पैसे निकाल लेगा। अब बात करते हैं एटीएम और क्रेडिट कार्ड की। अगर आप एटीएम या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो अपने कार्ड का 16 डिजिट का नंबर, उसकी सीवीवी और एक्सपायरी किसी के साथ भी ना शेयर करें, क्योंकि ऐसा करने पर आप अपने एक पैसे को खतरे में डाल रहे हैं। इसके अलावा अपने एटीएम और क्रेडिट कार्ड का पिन कुछ दिनों बाद बदलते रहें। अगर आप गूगल पे या फोन पे जैसे एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं तो उसका पिन किसी से भी ना शेयर करें। ये एटीएम और क्रेडिट कार्ड के पिन के लिए भी लागू होता है। अब बात करते हैं इंटरनेट बैंकिंग की। इंटरनेट बैंकिंग वो सुविधा है जो बैंक अपने कस्टमर्स को घर बैठे फंड ट्रांसफ़र और बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट चेक करने के लिए देती है। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान रहें। आप जिस वेबसाइट पर लॉगिन कर रहे हैं वो वेबसाइट आपके बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट ही होनी चाहिए। सोशल मीडिया के ज़माने में हमारे मोबाइल और ईमेल पर काफ़ी सारे लिंक्स फॉरवर्ड होते हैं। किसी भी लिंक को ओपन करने से पहले उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर लें, क्योंकि अनऑथेंटिक लिंक को ओपन करने पर हम अपने मोबाइल और लैपटॉप का डेटा गंवा सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति आपको फ़ोन करके कहता है कि वो बैंक से बोल रहा है और आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स वेरीफाई करनी है तो कृपया वो फ़ोन उसी वक्त काट दें। बैंक एम्प्लॉयज़ कभी भी आपको फ़ोन पर कोई भी डिटेल्स वेरीफाई नहीं करेंगे। अगर आपका एटीएम या क्रेडिट कार्ड चोरी हो जाए या गुम हो जाए तो तुरंत अपने बैंक के टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करके उस कार्ड को ब्लॉक करवाएं और उसका मिसयूज़ रोकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपका इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।